न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. डिफरेंट है, अभी तक जो हम चैप्टर्स कर रहे थे वो सब इंटर रिलेटेड थे. स्टार्टिंग फ्रॉम चेंज इन बीएसआर, गुडविल भी कह सकते हैं. तो गुडविल, चेंज इन बीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब इंटर रिलेटेड थे. उसको क्या बोलते हैं हम? रिकॉन्स्टिट्यूशन. अभी तक हम क्या कर रहे थे? रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इज ऑल्सो नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. इट इज ऑल्सो नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. आप अभी तक क्या कर रहे थे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप अग्रीमेंट तो डिसॉल्व ही हो रहा था, अब आप करोगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. बिजनेस ही बंद हो गया. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप अभी तक कर रहे थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही दूसरा नाम है. चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चाहे वो रिटायरमेंट और डेथ हो. तो ये इनमें से कुछ भी हो, वो सब क्या था? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है. अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, बिजनेस कंटिन्यूज, बिजनेस कंटिन्यूज, आपस में अग्रीमेंट चेंज हो रहा है. अब हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. बिजनेस ही बंद हो रहा है. बिजनेस कम्स टू एन एंड. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज discontinued, closed, and the firm is wound up, dissolved. As a result, the economic relationship among the partners ends. Usme tha, it changes, but they continue to do the business, jo bach gaye ya jo bhi hua, but the business continues. Yahan pe the economic relationship among the partners comes to an end. It is different from dissolution of partnership, which means change in relationship among the partners, but the firm continues. Section yaad karna padega, aa sakta hai question. According to section 39 of Indian Partnership Act of 1932, dissolution of firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm. In such an event, all assets of the firm are realized. All assets are realized, मतलब सारे assets बेच दिए जाते हैं, sold, liabilities are paid, liabilities को pay out. Business में क्या होगा? Assets, liabilities और capital. कह रहे सारे assets बेच दो, assets बेच के जो पैसा आएगा उसको use करो firm की liabilities pay करने में, और जो पैसा बच जाएगा partners को वापस कर दो. Business बंद कर रहे हैं. In such an event, all assets of the firm are realized, sold, liabilities are paid. The balance, if any, is paid to the partners in settlement of their accounts. If there is any shortfall in meeting outside liabilities, it is met by the partners from their private assets. Agar firm ki liability pay karne ke liye paise insufficient pad jaye, ki firm ke paas paise hi nahi hai, तो प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड टू सेटल द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म. थियोरेटिकली वो पार्ट हमारे कोर्स में है, प्रैक्टिकली हमारे कोर्स में नहीं है. उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम कॉलेज में सीखते हैं, स्कूल लेवल पे हमारे कोर्स में नहीं. तो हमारे कोर्स में नॉर्मल डिसोल्यूशन है, जहां पे जितनी लायबिलिटीज हैं उतने पैसे हमारे पास होंगे उनको पे ऑफ करने के लिए. कोई इनसफिशेंसी ऑफ फंड्स नहीं होगी, कोई डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स नहीं होगी. तो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से ही रिलेटेड है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? तो जहां हमने इतनी बातें करी ली उसी से ही डिराइव हुआ है सारा का सारा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-3 marks में आया हुआ है एग्जाम में. डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. आप प्रैक्टिकल करते रह जाते हैं, वो थ्योरी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. So what is the difference? Meaning, dissolution of firm, it means closure of the firm
एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स. बिजनेस कम्स टू एन एंड. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट मीन्स चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स. द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस. द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस. मीनिंग क्लियर है? तो बिजनेस कंटिन्यूज इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. बिजनेस कम्स टू एन एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. कोर्ट्स इंटरवेंशन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, इट कैन बी इधर वॉलंटरिली बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरिली बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट इज ऑलवेज वॉलंटरी. बिजनेस कंटिन्यूएशन, बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड. बिजनेस ऑफ द फर्म continues. Closure of books of accounts. Books of the accounts of the firm are, सारी books close हो जाती हैं. सारे accounts close हो जाते हैं. सारे assets बेच दिए जाते हैं. सारी liabilities pay off हो जाती हैं. End में कोई balance sheet नहीं बनती क्योंकि कुछ बचा ही नहीं. बाकी तो सारे cases में क्या हो रहा था, end में balance sheet बनती थी ना क्योंकि आपके business तो चल ही रहा है. तो books are closed. ऐसे dissolution of partnership में need not be closed. कह रहे वो चलेगा, ठीक है ना, बस रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, अग्रीमेंट चेंज हुआ है. एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिसोल्यूशन में एसेट्स एंड एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड, मतलब सोल्ड. एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड, मतलब पेड ऑफ. द बैलेंस अमाउंट इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, they are revalued. Assets are revalued, liabilities are reassessed, profit or loss, जो भी होगा वो partners में old ratio में distribute कर दिया जाएगा. तो सर यहाँ पे revaluation नहीं होगा? नहीं होगा. अब तो आप बेच रहे हो तो यहाँ पे revaluation account नहीं, realization account बनता है. Economic relationship, dissolution of firm में it ends. Dissolution of partnership में बस change हो रही है, end नहीं हो रही. Effect, dissolution of firm means dissolution of part. Dissolution of firm में जब business बंद हो रहा है तो partnership तो dissolve हो ही रही है. Dissolution of firm means dissolution of partnership as well. But dissolution of partnership does not necessarily mean that the firm will also come to an end. जब partnership dissolve हो रही है तो जरूरी नहीं है कि business बंद हो. लेकिन जब business बंद हो रहा है तो firm भी dissolve हो रही है, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो रही है. क्लियर बेटा? थ्योरी तो मैं आपको हर चैप्टर में हमेशा ही कराता हूं, यस और नो? ऐसा तो नहीं है नहीं कराता. एमसीक्यूज इन्हीं से बनते हैं. अब प्रैक्टिस थ्योरी वो भी मैं कराऊं कि थ्योरी प्रैक्टिस करा दो सर, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर सैड है. तो ये आपका काम होगा कि मैंने एक भी चैप्टर बिना थ्योरी के खत्म नहीं करा. तो कोई भी चैप्टर हम करते तो पहले मैं थ्योरी ही डिस्कस कर रहा होता हूँ, उससे रिलेटेड जो जो आपके काम की है. रिवाइज ना करना एक कॉन्सिक्वेंस होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम ढंग से एग्जाम में नहीं कर पाते. हम 95% ऑफ द एफर्ट्स प्रैक्टिकल पे डाल देते हैं. मैं कह रहा हूँ कुछ उसका पोर्शन अगर आप थ्योरी पे भी डाल दें तो आपका स्कोर जंप कर सकता है एटलीस्ट 5-10% सेम एफर्ट्स के साथ. 5-10% सेम एफर्ट्स के साथ जंप कर सकता है थ्योरी साथ साथ कर रहे. तो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. और डिसोल्यूशन की थ्योरी तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपको प्रैक्टिकल करने में भी हेल्प करती है. तो अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे, कोई जल्दबाजी भाग भाग के नहीं करेंगे. तो ये तो समझ आ गया ना कि 100% कोर्स करने से बेटर क्या होता है, जितना कर रहे हो वो अच्छे से कर लो. 100% कोर्स करके जब 40% भी नहीं आते तो वो ज्यादा बुरा है. ठीक है ना बेटा? जो करो अच्छे से करो. सर कुछ कहना चाहते हैं?